फिर कैसे है? स्टडी कैसी है? अच्छी है? स्टडी करना मस्त भी है यार। आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 15 लेके आए। क्या है, क्या लेके आए? 15 लेक्चर में वही तो पार्ट है, एक्सरसाइज 1.3 का एंडिंग पॉइंट। और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ 1.3 के एंडिंग के साथ साथ 1.4 भी ले आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, इजी इजी है सर। हर एक लेक्चर आप वैसा ही बोलते हैं, मगर इजी इजी रहता ही ना। आप पढ़ाई करना मस्त भी है मैथ्स के लिए, खाली व्यू करके छोड़ रहे हैं आप, स्टडी नहीं दे रहे हैं तो वह भूल जाएगा, वो याद नहीं रह सकता। इसलिए उसको प्रैक्टिस में लाना उतना ही इंपॉर्टेंट रहता। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8-7 तक हम 14 नंबर लेक्चर नंबर 14 में देख चुके थे। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। ओके, अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है 1.3 में से 15 नंबर का लेक्चर। हाँ, 13 और 14 देखा है तो एक बात नहीं, 13 14 जान दो, मगर कम से कम कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको मालूम है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म समझो, ए प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए वाला है, आई का साइन बदल देना, ए माइनस बी आई। हाँ सर, मालूम है मालूम है मालूम है मालूम है ना। हाँ, जिसको मालूम नहीं है इसे कंजुगेट बोलते, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बोलते, याद रखो। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा जड़ से इंडिकेट करें, आप उसके कंजुगेट को हम जड़ डैश से इंडिकेट करेंगे। जड़ डैश इज इक्वल टू, पूछा गया तो हम ए माइनस बी आई लिखेंगे क्योंकि प्लस में दिए वाला था, ऐसा ही करना है यहां पे। वही तो बात मेन है। देख लो आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में गिवन क्या है? गिवन करे वाली वैल्यू जेड इज इक्वल टू 2+3i। ओके राइट, अब इसी का एक पहला प्रूफ, वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला ले रहे हम जेड कंजुगेट होल कंजुगेट, डैश के डैश, बार के बार है, ए जड़ के सिर पे एक बार है, उसके ऊपर और एक बार है। बार बोलो या कंजुगेट बोलो, बोलते समय कंजुगेट बोलना। ओके, तो क्या करना, जड़ कंजुगेट निकालना, जड़ से दिए वाले जड़ से 2-3i होगा, इसका और कंजुगेट बनाओ, अगेन जड़ कंजुगेट होल कंजुगेट है ना, इज इक्वल टू 2+ की जगह और माइनस आएगा। देख लो ये और जड़ दिए वाली सेम है, इसका मतलब हैंस प्रूड, क्या प्रूड हो गया, क्या वेरीफाइड हो गया, जड़ कंजुगेट होल कंजुगेट इज इक्वल टू जड़ है ना, इसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, जड़ इंटू जड़ कंजुगेट इज इक्वल टू क्या है, जड़ इंटू जड़ कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जड़ होल स्क्वायर। देख लो अब एक क्वेश्चन कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा, इंटू है, प्रोडक्ट है, क्या है? जड़ की भी हमारे पास तो टेक्स्ट नहीं है, हम लिख के रखते हैं, 11 के बच्चे आए बराबर, एक कागज पे लिख के रखते, वही क्वेश्चन वही पूरा उनको पढ़ाया वाला आपको देते YouTube पे, यही तो मेन बात है। जड़ इंटू जड़ कांजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जड़ स्क्वायर, हम करके देखेंगे। LHS इज इक्वल टू जड़ इंटू जड़ कांजुगेट, जड़ की वैल्यू क्या है 2+3i राइट। हाँ सर, जड़ कंजुगेट क्या है,
टू माइनस थ्री है, चलो प्रोडक्ट करेंगे, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, राइट। हाँ सर, झड़ की वैल्यू, सॉरी ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, विद आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नाइन प्लस फोर यानी कितना मिल गया, 13 मिल गया। अब हम आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस क्या है, मॉडुलस ऑफ झड़ का स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ झड़ का स्क्वायर। झड़ लो, झड़ क्या है, टू प्लस थ्री है, इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कैसे निकाला जा सकता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जिसे आई नहीं लगा, रियल नंबर, और बी वैल्यू जिसको आई लगा है रख दो। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन। अंडर रूट में क्या आ गई वैल्यू, है ना। आरएचएस में ये है उसका स्क्वायर है। अब आरएचएस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर यानी मॉडुलस की वैल्यू रूट 13 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया, आंसर क्या आया, ये दो नंबर एल एच एस, एक नंबर फ्रॉम एल एच एस एंड आर एच एस, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिल गया, हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एट में से थर्ड वन क्वेश्चन, झड़ प्लस झड़ कंजुगेट इज रियल, ये शो करना है। झड़ की वैल्यू क्या है दे दो, यहां पे टू प्लस थ्री है, प्लस झड़ का कंजुगेट क्या बनता, टू माइनस थ्री है, राइट। झड़ इज इक्वल टू टू प्लस थ्री है, झड़ कंजुगेट इज इक्वल टू टू माइनस थ्री है, रख दिए हम, सॉल्व करो, प्लस थ्री आए माइनस थ्री आए कैंसर, टू प्लस टू यानी फोर, खदाम, ये हो गया थर्ड वन। ये फोर क्या है, रियल तो है, नंबर लाइन पे आती, इज ऑन दी नंबर लाइन, देयर फोर फोर इज अ रियल नंबर। ओके, लिख दिया हमने। अब फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन देखो, आप फोर्थ वन के लिए वेरी इजी, झड़ माइनस झड़ कंजुगेट इज इक्वल टू सिक्स है, शो करना है। झड़ की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री है, ब्रैकेट में रखो, माइनस है इसके लिए। झड़ कंजुगेट क्या है, टू माइनस थ्री है, चलो सॉल्व करो, ये माइनस से इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, टू प्लस थ्री आए माइनस टू प्लस थ्री आए इज इक्वल टू सिक्स आए, प्लस टू माइनस टू रिजेक्टेड, थ्री प्लस थ्री सिक्स आए इज इक्वल टू सिक्स आए, हेंस प्रूफ, यस। अब क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन भी ऐसा ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इससे बड़ा है लिखने के लिए मगर बहुत ही इजी है, खाली कंजुगेट समझ में आना, कंजुगेट करना यानी आय का साइन बदल देना दिए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन, गिवन झड़ इज इक्वल टू वन प्लस आय, झड़ वन इज इक्वल टू एंड झड़ टू इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आय, झड़ वन का कंजुगेट निकालो, वन माइनस आई, आई का साइन बदल लिया हमने, एंड झेड टू का कंजुगेट बदल डालो, टू माइनस थ्री आई, बस ये हम हमारे दिल से निकाल लिए, दिए वाले तो झेड वन और झेड टू ही है। अब पहला प्रॉब्लम करना है हमें, क्या निकालो, वेरीफाई द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट वन क्या है, झेड वन प्लस झेड टू, पहले प्लस करना, होल कंजुगेट करना उसका बाद में, और झड़ वन कंजुगेट झड़ टू कंजुगेट,
ये लेक्चर्स निकालना है हमें। ये लेक्चर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, झड़वन और झट्टू की सम करना पड़ेगा। ये सम कर लेंगे हम, झड़वन की वैल्यू 1+i, झट्टू की वैल्यू 2+3i, दोनों की एडिशन 2+1 3, 3+1 4i, खत्म। इसका कंजुगेट यानी क्या, अब एलएचएस के लिए यहाँ पे एलएचएस बोलेंगे, यहाँ पे सिंस बोलेंगे। अब एलएचएस निकलने जा रहा है झड़वन प्लस झट्टू होल कंजुगेट, क्या मिलेगी वैल्यू, यही तो आंसर है। मगर क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, आई जो भी साइन में है उसका निगेटिव। ये एलएचएस हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। चलो आरएचएस के लिए क्या है, आर एच एस देखेंगे अभी। झड़वन कंजुगेट प्लस झट्टू कंजुगेट, झड़वन की कंजुगेट की वैल्यू 1+i, प्लस झट्टू कंजुगेट क्या है, झट्टू कंजुगेट ये निकाल के रखे वाला है हमारे पास 2-3i, राइट। चलो अब 1+2 यानी 3, 1i-3i दैट इज -2i, ये हो गया सेकेंड वन, ये हो गया फर्स्ट वन। फर्स्ट वन और सेकेंड वन क्या है, दोनों भी माइनस है। झड़वन की वैल्यू हमने क्या रखे थे, प्लस रखे थे, रॉन्ग हो रहा था, इक्वल नहीं आ रहा था। अब देखो 1+2 यानी 3, -1 -3 -4 हो रहा है, हो सकता है ऐसा। देख लो फ्रॉम वन आई एंड टू, फ्रॉम वेरी इजी बोले तो हमारा ही रॉन्ग हो जा रहा। फ्रॉम वन आई एंड टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, बात आई समझ में, ये पहला वाला था। चलो सेकेंड वन लिया जाए, अभी इधर वाली लिया जाए। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन, सेकेंड वन नाइन्थ क्वेश्चन में से Z1-Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1-Z2 कंजुगेट। LHS के लिए सिंस Z1-Z2, Z1 की वैल्यू क्या है अपने पास, Z1 की वैल्यू 1+i, माइनस Z2 की वैल्यू 2+3i, दोनों की सब्ट्रैक्शन 1+i-2-3i, 1 में से 2 चला गया -1, 1i में से 3i चला गया -2i, ये Z1-Z2। आप LHS निकालें, LHS इज इक्वल टू Z-Z2, क्या होगा आंसर, आगे लिख दिया जाए -1 एज इट इज रहेगा, खाली i की वैल्यू कंजुगेट में, रियल की वैल्यू साइन चेंज नहीं होता, इमेजिनरी का होता, +2i। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। लिखने के लिए कंफ्यूज नहीं होना। अब आरएचएस मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, झड़वन कंजुगेट माइनस झट्टू कंजुगेट करेंगे, है ना। झड़वन कंजुगेट की वैल्यू क्या है, 1-i, माइनस झट्टू कंजुगेट क्या है, 2-3i। चलो 1-i-2 -+3i, राइट। हाँ 1-2 यानी -1 रहेगा, 3i में से 1i सबट्रैक्ट करो +2i, इसे हम सेकेंड वन नाम देंगे। फर्स्ट और सेकेंड देख लो सेम तो है सर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं, ये LHS इज इक्वल टू RHS, तो खत्म हो गए पहला और दूसरा। चलो देख लो हम मिटाना चाहेंगे अभी, देखने के बाद थर्ड वन और फोर्थ वन लेना है, लिया जाए मिटाया जाए, ओके। चल थर्ड वन और फोर्थ वन क्या है, थर्ड वन यही तो है, वेरी इजी इजी प्रॉब्लम्स, इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड वन और फोर्थ वन। थर्ड वन के लिए क्या है, थर्ड वन के लिए भी इतना सारा दिए वाला तो लिखना पड़ेगा,
उसके कॉन्जुगेट भी लिखना पड़ेगा। थर्ड वन प्रॉब्लम क्या है, z1 इनटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। चलो सिंस z1 इनटू z2 निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं यार हम, 1 प्लस i z1 इज z1 रख दिए इनटू z2 2 प्लस 3i, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कैसे कर दे, 1 से सेकंड 1 i से सेकंड 1, 1 इनटू 2 2, 1 इनटू 3i 3i, i इनटू 2 2i, i इनटू 3i प्लस 3i स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5i, 3i स्क्वायर मींस माइनस 3, क्यों i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिया हम, राइट। हाँ ये चक्का जबी, देखो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर वही तो काम आ रहा है यहाँ पे, मेन तो बेस ही है, इसलिए पहले लेक्चर से कंटिन्यूटी देते जाओ, बार बार व्यू करते जाओ, आपको कभी हार्ड नहीं जाने वाला। अभी बताए थे हम 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 प्लस 5i, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, LHS नहीं हुआ। अब LHS किया जाए, क्या है LHS, z1 और z2 का प्रोडक्ट का होल कंजुगेट क्या आएगा, माइनस 1 एज इट इज रहेगा और 5i का साइन उतना चेंज हो सकता, राइट। हाँ सर, ये हो गया एक नंबर। अब दो नंबर लेने के लिए RHS लिया जाए, RHS क्या है, z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट, z1 की वैल्यू क्या है, z1 कंजुगेट के हाँ 1 माइनस i इंटू z2 कंजुगेट की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3i, दोनों का प्रोडक्ट कर लो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 3i माइनस 3i, माइनस i इंटू 2 माइनस 2i, माइनस i इंटू माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू दे दो 2 एज इट इज माइनस 3i माइनस 2i माइनस 5i, राइट, और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे ना, माइनस प्लस 3 का क्या हो जाएगा माइनस 3, राइट, क्या आएगा आंसर इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 माइनस 5i, खत्म, इसे सेकंड वन नाम देंगे, ओके माइनस 1 माइनस 5i माइनस 1 माइनस 5i, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताएंगे, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, खत्म, ओके चलेगा। अब हम फोर्थ वन बनाएंगे, फोर्थ वन क्या है, डिवीजन है, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा है, ये मिटा देंगे, अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज्यादा लगने वाला है शायद, देखो z1 बाय z2 ब्रैकेट करके होल कॉन्जुगेट है, ओके पूरी बात समझा लो, पहले नहीं समझा के लेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता, प्रॉब्लम आएगी तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आपके एग्जाम को मार्क कम मिलेगी तो आपको डल समझेंगे, डल नहीं समझना, इसलिए चलो ये LHS निकालने के लिए हमें डिवीजन पहले लेना है, राइट, z1 बाय z2 डिवीजन, सीन्स z1 क्या है 1 प्लस i बट z2 क्या है 2 प्लस 3i, इसका डिवीजन कैसे करेंगे सर, रैशनलाइजेशन करो ना, राइट, कर देंगे, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता, 2 प्लस 3i को हम 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 3i, ओके चलो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कर दो, क्या होता 2 का स्क्वायर 4, 3i का स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, ऊपर का प्रोडक्ट कर दो, ये ऊपर का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 3i 3i, i इंटू 2 प्लस 2i, i इंटू माइनस 3i माइनस 3i स्क्वायर, ओके चलेगा, ओके तो देखो अभी ये 2 एज इट इज 2i माइनस 3i दैट इज i, राइट, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस
नहीं, यहाँ पे लिख के देंगे और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन बॉक्स करके रखते हैं हम, आपको नोन रहना, याद रहना, आगे की स्टेप हम इधर ले रहे। अच्छा ठीक है, एक स्टेप यहां पे बना लेंगे, क्या होता 2 + 3 यानी 5 होता, माइनस आई डिवाइडेड बाय 13, 4 + 9 इतनी वैल्यू आई, इसे सेपरेट कर दो 5/13 आएगा माइनस 1/13 आई आएगा, है ना। अब ये हो गया खाली डिवीजन, ये डिवीजन का क्या बनाएंगे, Z1/Z2 होल कंजुगेट, यानी LHS बना रहे हम, इसे LHS बोलेंगे, क्या आएगा 5/13 माइनस की जगह I का कोएफिशिएंट प्लस हो जाएगा, कंजुगेट बदलना 1/13 I, खत्म। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर एक, एक बाजू कंप्लीटेड। अब दूसरी बाजू निकालने जा रहे हैं, क्या है दूसरी बाजू, Z1 कंजुगेट RHS इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट, Z1 की वैल्यू क्या है कंजुगेट में 1 - I, Z2 कंजुगेट की वैल्यू क्या है 2 - 3I, क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करेंगे, ये भी एक डिवीजन है, ये माइनस में 2 + 3I / 2 + 3I लेके सॉल्व करेंगे, राइट। हाँ सर, चलो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर - 9I² राइट राइट सर, ऊपर प्रोडक्ट कर दो किसका किसका, 1 × 2 = 1 + 3I + 3I है ना, और -I × 2 - 2I - I × + 3I - 3I² खत्म। I स्क्वायर की वैल्यू -1 रखना है, यहां पे भी दे चुके हैं हमने, इधर भी दिए, दो दो बार काय को दिए सर, आपको नोन रहना 8 × 3I - 2I दैट इज ओनली I, सब्ट्रैक्शन माइनस 3 की जगह प्लस 3 कर देंगे, क्यों I स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पे 4 + 9 हो सकता नहीं, होता I स्क्वायर की वैल्यू -1 - -+9, क्या आएगा आंसर 3 + 1 = 5 + I as it is divided by 3 + 9 + 4 that is 13, सेपरेट कर दो 5/13 + 1/13 I, इसे नाम दो नंबर दो, एक नंबर और दो नंबर देखो सेम है, hence LHS is equal to RHS, देख लो। अब हमें एक्सरसाइज 1.14 को खाली जस्ट स्टार्ट करना था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं, देख लिए तो चलो मिटा दे अभी, ओके। अब इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सरसाइज 1.4, यही तो मेन एक्सरसाइज है, कॉम्पिटेटिव को यानी MPSC को UPSC को, जेई को तो आने ही वाला है सरवीर, हाँ जेई मेन के लिए यही पॉइंट मेन है। 1.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और दूसरा पॉइंट डी मुईवर्स थ्योरम, मुईवर्स थ्योरम, ये दो पार्ट है, हम एक पार्ट अभी नहीं लेंगे, क्यों हमें इसकी जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई के लिए एलेवेंस के लिए जेई मेन के लिए, और बेस है UPSC MPSC का इसमें। अब देख लो एक एक पॉइंट ना पॉइंट हम समझा के ले रहे, ओके, ये डी मुईवर्स को हम फिर से कभी देखेंगे नेक्स्ट वन लेक्चर में, यानी कि उसके प्रॉब्लम जब हम लेके आएंगे तब हम डी मुईवर्स क्या है वो बता देंगे, आज क्या बता रहे हैं सर,
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, क्यूब रूट यानी क्यूब उड़ा दिए तो क्यूब रूट आता, यानी क्या है इसका मीनिंग क्या होता, एक्स का क्यूब, समझो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स दिया गया, एक्स का क्यूब, समझो कॉम्प्लेक्स नंबर में वाई दिया गया, वाई का क्यूब, डब्ल्यू दिया गया, इसे हम ओमेगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओमेगा, बहुत जगह है इलेवेंथ में या जेईई मेंस में ओमेगा बताएंगे, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में डब्ल्यू आया तो ओमेगा बताएंगे हम, क्या बताएंगे, ओमेगा। सो क्यों हम एक्स लिए थे अल्फाबेट, वाई लिए थे, एक्स और वाई को नाम नहीं, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डब्ल्यू यूज करते हैं सेकंड लेटर, सेकंड लिपि का, उसे ओमेगा कॉल करा जाता, कहा जाता, ओके। तो चलो ओमेगा क्यूब की वैल्यू, किसका भी क्यूब कॉम्प्लेक्स में देने दो, उसकी वैल्यू वन, उसकी वैल्यू वन, उसकी वैल्यू वन, इसका मीनिंग है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बताइए समझ में क्या सर? अब हम फिर से देंगे, देखो ओमेगा रेस्ट 18, ओमेगा रेस्ट 21, ओमेगा रेस्ट, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट फॉर योर सेल्फ यू मे लिसन केयरफुली, ये समझा के लेना चाहिए, कुछ भी दे सकते, हम आपको ओमेगा बोल रहे हैं ओमेगा ही आता, ऐसा नहीं, जिस लेटर को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा कहा गया, उसका क्यूब लेना, उसकी वैल्यू वन, बस। बताइए समझ में, समझो बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मीनिंग बी क्यूब इज इक्वल टू, बताइए समझ में? हाँ सर, कभी नहीं भूलना, ये बाजू में रखना, लिख के भी हम भी लिख के देंगे आपको, आपके लिए। ओमेगा इसे पहले नाम देंगे, ओमेगा आपको लिख के रखने के लिए एक बात हो गई, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और इसके प्रॉपर्टीज हैं, वही तो पढ़ना है हमें, बहुत इजी है, हम पूरा डिटेल ले रहे, आपको कुछ डाउट तो नहीं आ सकता। ये देखो अब प्रॉपर्टी में क्या बताए हम, देख लो प्रॉपर्टी हेडिंग हम भी डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ किसके, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है प्रॉपर्टी, बहुत इजी इजी, तीन चार पांच छह बॉक्स तैयार करने का है आपने को, डेवलप करना है मगर मेथड से, ऐसा कुछ भी लेके नहीं। देख लो आप, वी हैव, हमें मालूम है, आपको भी है, क्या मालूम है सर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कब, ओमेगा को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला गया तो, कहा गया तो, ये वन को हम इधर बुला लेंगे, इधर बाजू लेंगे हम, इसके आगे का पॉइंट नीचे नहीं दिखेगा, ये वन को हम इधर बुला लेंगे, ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हो सकता ना, हाँ सर हो सकता, ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन का भी क्यूब बनाए तो कुछ बिगड़ सकता क्या, वन का क्यूब वन आता ना, बना सकते हम, इसलिए हम वन का क्यूब बना दिए, क्यों बना दिए सर, सिंस बोल के फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंड, यस आपको आता है, हमें आता, आपको आना, इसलिए यहाँ पे लिख के रखते हैं हम, ए माइनस बी अदर ब्रैकेट, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, नहीं सॉर, या क्यूब की जगह क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, देख लो याद रखो,
हम गलतियां करके भी आपके लिए सीधा सा प्यारा सा पॉली आइडेंटिटी फॉर्मूली लिख के रखे। आइडेंटिटी फॉर्मूली, यस, पॉलिनोमियल के आइडेंटिटी के फॉर्मूले सात तो फॉर्म है, ये एक है उनमें से, और इसे एक्सपेंड करेंगे वो फॉर्मूले के यूज करके। अभी ओमेगा माइनस वन एक ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट ओमेगा का स्क्वायर प्लस, है ना, राइट, और क्या होता, ओमेगा इनटू वन क्या होगा, ओमेगा और प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, खत्म बात। अगली बात ध्यान में, हाँ सर, देख लो आप, ओमेगा माइनस वन एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू जीरो, यही तो बात है। अब हम क्या करेंगे, ये बाजू में ले लो, ये दो फैक्टर है, ओमेगा माइनस वन की वैल्यू भी कभी कभी जीरो ले सकते हैं, इसे बॉक्स नंबर थ्री बोलना, कभी नहीं बोलना, ओमेगा माइनस वन, ओके, इसका यूज नहीं है, मगर यूज ये है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कभी नहीं भूलना बच्चों। इसके जरिए हम कितने बॉक्सेस निकालना चाहेंगे, देखो, एक दो तीन चार पांच, ऐसे बहुत सारे बॉक्स निकाल सकते। पहला बॉक्स क्या है, देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देना है हमें, ये प्लस मेगा ओमेगा प्लस में का वन, राइट हैंड साइड को फेंक दो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बच्चों, बताओ बोले तो, दिख रहा है आपको सबको, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ बच्चों, बताओ बोले तो क्या लिखेंगे, ये प्लस ओमेगा प्लस वन उधर फेंक दो, माइनस ओमेगा माइनस वन। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अगर यार हमारी पोयम की दोस्ती बनाना चाहता हो तो प्यार बन जाता है, राइट, हाँ, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, माइनस ओमेगा और माइनस वन की भी वैल्यू क्या ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। देखो कैसा कैसा बात कर रहे हैं हम, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा माइनस वन ले सकते हैं, तो माइनस ओमेगा माइनस वन की वैल्यू भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, सही बात ध्यान में, हाँ सर, आगे, अब आगे क्या करना है, तीसरा बॉक्स तो डेवलप करना है और दूसरा बॉक्स, चलो क्या कर सकते, हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा को इधर रखो, ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन को उधर फेंक डालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ए नेक्स्ट वन बॉक्स बन गया, ये भी फॉर्मूला है। अब तीसरा बॉक्स बनाने जा रहे हैं, इधर बाजू हमें वन की वैल्यू चाहिए, क्या बनाएंगे, तो हम प्लस ओमेगा स्क्वायर उधर फेंक देंगे, प्लस ओमेगा उधर फेंक देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये तीसरा बॉक्स। बच्चों ये सभी बातें ओमेगा के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कभी भी नहीं भूलना, ओके, यही तो पढ़ाने के लिए आज हम आए, बहुत देर से आना 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 आना, बहुत बार सोचे हमने, बहुत बार बोले तो बहुत बार सोचे, मगर आप लोगों को ये बात समझा के देना, ये वाले लेक्चर में इसके डिफेंस में पूरे के पूरे टफ ग्रुप के प्रॉब्लम नेक्स्ट वन लेक्चर में, यानी 16 नंबर के लेक्चर में आने वाले बहुत जल्दी। ये 15 नंबर का लेक्चर चलो मिटाया जाए, छोटा सा एक क्वेश्चन लाए हम आपके लिए, ये पूरा समझना, इसलिए 1.4 में से कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये लास्ट वन एक्सरसाइज है यार, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है आज, चलो मिटाया जाए, ओके, वेरी वेल, ये पूरी बात हमारे टंग पे प्रिंटेड है, आपके ब्रेन में प्रिंट करो, टंग पे नको, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको लेक्चर बनने की, जब कभी लेक्चर के लिए हम बुलाएंगे आपको, बुला सकते ना, हमारे पास के पूरे बच्चों को तो बुला सकते हैं यार, हम सेमिनार लेते थे क्लास में,
वही तो मेन बात है, उससे तो बच्चे अच्छे बनते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहां से एक्सरसाइज 1.4 कॉम्प्लेक्स नंबर 11 क्लास से लेक्चर नंबर 15 में ही क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ओनली नो वैल्यूज। ये पहला वाला ले रहे हम ओमेगा का पावर 18, कुछ भी आने दो ओमेगा का पावर, उसका क्यूब तोड़ के बाजू निकालना, तोड़ना यानी डिवीजन करना, किसको डिवीजन करना सर, जो भी पावर दिए वाला है उसको डिवीजन करना, 3 1 3 6 क्या रह गया, तोड़ के 3 बाजू में लिए, क्यूब बाजू में लिए 6 रहता, ओमेगा क्यूब की तो वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 रख दिया, होल रेस टू क्या रहेगा 6, 1 का पावर 6, आंसर इज 6, खत्म खत्म सर। सेकेंड वन इजी है ना, इजी है, हाँ लग रहे है सर, एक जोन बहुत करा, ओमेगा रेस टू 21, इससे ओमेगा क्यूब तोड़ के बाहर निकालेंगे, यानी कि 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 7 7 ब्रैकेट का पावर बनाएंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 का पावर 7, 1 का पावर कुछ भी रखो यार, फ्रैक्शन भी रखे माइनस भी रखे कुछ भी रखे तो भी वो नहीं आता, खत्म। चलो थर्ड वन क्या है, ओमेगा रेस टू -30, कभी भी पावर माइनस नहीं रखना चाहिए, क्या करना फिर सर खा लेना क्या, नहीं ये खाने की चीज थोड़ी है, माइंड में लेने की है, वो डिनोमिनेटर में डालना, किसको, जो भी पावर माइनस दिया गया उसे डिनोमिनेटर डाल दिया, अब वही लफड़ा अपना रोज का रोज मिलना, क्या है मिलना, ओमेगा क्यूब बाजू में तोड़ के निकालना, 30 को 3 से डिवाइड करना, क्या बच गया 10, पावर 10, 1 न्यूमरेटर में 1 का ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 का पावर 10, 1 का पावर कुछ भी रखो 1 by 1 आंसर इज 1, खत्म। देखिए अब ये 3 हो गए, फोर्थ वन आपके लिए रखना, हाँ सर बहुत इजी है चलेगा, ये माइनस में है, होमवर्क क्या दिया गया, ओरल है यार ओरल, सर सबका आंसर वन ही आता ना, हाँ वन ही आता, देख लो ओमेगा रेस टू -105, ओमेगा रेस टू क्यूब पहले डिनोमिनेटर में फेंक दो, है ना, ये फोर्थ वन था, डिनोमिनेटर में 105, 1 by ओमेगा क्यूब रेस टू द पावर क्या बताएंगे, 3 3 9, 3 5 15, 10 में से एक रह गया 15 बन गया 35, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 का पावर 35 यानी 1 by 1 आंसर इज यस। आज का लेक्चर हम यहां पे स्टॉप करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की हिस्ट्री आपके पास दी वाली है, आप डॉक्टरेट बन के आना हिस्ट्री ऑन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, ओके आने वाले 16 नंबर के लेक्चर में उसी पे ही प्रॉब्लम देखे जाएंगे, तब तक बाय बाय।